तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत नेरो पंचायत के रंगाडी गांव निवासी गुजर मातो के 2 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी का लापता शव 13 दिन पहले शुक्रवार को राजगंज थाना क्षेत्र के बरडार स्थित नाला के सामने से बरामद हुआ। बच्ची का शव छत विछत अवस्था में पाया गया था। शनिवार को तोपचांची व राजगंज पुलिस के द्वारा बोकारो से खोजी कुत्ता मंगवा कर जाँच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल के क्रम में खोजी कुत्ता घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित बरडार के एक मकान में जा पहुंचा। इधर घटनास्थल के समीप बंद पड़े ईंट भट्टा के अंदर खून से लथपथ प्लास्टिक बोरा, बाल कपड़ा एवं अन्य चीजों को पुलिस ने बरामद किया। घटनास्थल के इर्द गिर्द बच्ची का बाल गिरा हुआ था। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची की हत्या करने से पहले उसका सर मुंडवाया गया हो। इधर कुछ ग्रामीणों का अंदेशा यह है भी है कि बुरी शक्तियों को पाने के लिए किसी व्यक्ति ने नरबलि देने का प्रयास किया हो। शुक्रवार को देर रात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव को पुलिस ने परिजनों के हाथ में सौंप दिया है। वहीं गिरिडीह लोकसभा ने सांसद ने नेरो रंगाडी गांव पहुंचकर परिजनों को इस दुख की घड़ी में शामिल हुए और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। टेलीफोनिक दूरभाष के द्वारा DSP महेश प्रजापति से बातें की। DSP महेश प्रजापति ने कहा, बहुत जल्द ही मुजरिम को कटघरे में खड़ा कर देंगे। तोपचांची पुलिस घटना से संबंधित नेरो गांव के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस तरह का घटना, हृदय विदारक घटना हम कह सकते हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पर लेकर, क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? देखिए, घटना के जैसे ही जानकारी मिला और चूंकि 2 साल की बच्ची है और उस तरह का निर्मम हत्या करना ही झारखंड के इतिहास के लिए सबसे बड़ा कलंक है। और प्रशासन के द्वारा अभी तक, चूंकि पूर्व में जब से 17 तारीख से बच्ची गायब है और उसकी जानकारी दिया गया और इतने दिनों तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यदि कार्रवाई होता तो लगता है बच्ची हम लोग सुरक्षित रख सकते थे, क्योंकि घटना जिस प्रकार है, लाश की जो स्थिति है, बच्ची की जो स्थिति है, हमको लगता है 1-2 दिन के अंदर ही इस तरह का घटना हुआ, तो ये दुर्भाग्य है। और अभी तक दोषी भी नहीं पकड़ा गया और इस तरह से पूरे राज्य का विधि व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि कई घटना घटा लेकिन अभी तक दोषी पकड़े नहीं जा रहे, जिसके चलते सभी लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। ये इसलिए हम यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो इस तरह से लोग दहशत में जी रहे हैं और आगे भी अपने छोटे बच्चों को लोग कैसे सुरक्षित रख सकता है, इस पर प्रश्न खड़ा। क्या कुछ हम ये कह सकते हैं सर कि मान के चलिए गरीब के बच्चा है, इसलिए सही से प्रशासन ध्यान नहीं दिया। अगर यही अगर अमीर लोगों के साथ होता तो बहुत अच्छे से ध्यान देते। इस पर क्या गरीब और अमीर का नहीं होता है, घटना के साथ, इस दुख के साथ सभी लोग इनके साथ खड़ा है और कहीं से लापरवाही, प्रशासन के लापरवाही के चलते इस तरह से। यदि जैसे ही सूचना मिला त्वरित कार्रवाई होता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता, घटना को बचाया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सूचना देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके चलते इतना बड़ा घटना घटा। देखिए, हम लोगों का भी जो एक जवाबदेही, एक जनप्रतिनिधि के नाते परिवार के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहना और जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई, क्योंकि इस तरह की घटना हमको लगता है कि हम भी बहुत सारी घटनाएं हुआ लेकिन यह घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहेंगे कि जो दोषी है उसको सीधा फांसी लगे और उस परिवार को सरकार सहयोग करे, क्योंकि इतना बड़ा घटना में परिवार को सहयोग की आवश्यकता है और हम लोग भी अपने व्यक्तिगत रूप से भी जितना अधिक से अधिक हो सकेगा हम इस परिवार के साथ रहे। खुल गया, खुल गया, खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694।